कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद सूरतेहाल ताहाल गैर वाज़ेह है। सियासी जमातों की जानिब से कामयाबी के दावे जारी हैं। इलेक्शन में कई बड़े बुर्ज भी उलट गए। खुर्रम शेरज़मान, अशरफ जब्बार कुरैशी नाकाम रहे। सईद गनी के भाई भी कामयाब ना हो सके। हाफिज नईम, फरदौस शमीम समेत कई अहम रहनुमा सुरखरू रहे। कराची में अब तक बल्दियाती इलेक्शन के नतायज नहीं आए हैं, जबकि सूरत हाल भी ताहाल गैर वाज़ेह है। सियासी जमातों की जानिब से कामयाबी के दावे जारी हैं। इलेक्शन में कई बड़े बुर्ज उलट गए। खुर्रम शेरज़मान, अशरफ जब्बार कुरैशी नाकाम रहे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़े बड़े दावे हवा हो गए, नतीजे आने का सिलसिला सुस्त रफ्तारी से जारी। बोल न्यूज ने सबसे पहले नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल न्यूज ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मुकम्मल नतीजा सबसे पहले बोल न्यूज पर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम अपना हल्का जीत गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी मैदान मार लिया। तहम मेयर के उम्मीदवार समझे जाने वाले खुर्रम शेरज़मान पीपी के नजमी आलम से हार गए। एक और सीनियर रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी भी सुरखुरू ना हो सके। सईद गनी के भाई फरहान गनी को घर के हल्के UC3 चनेसर से नाकामी का मुँह देखना पड़ा। पोलिंग खत्म हुए काफी वक्त गुजर गया। कौन मेयर की कुर्सी पर विराजमान होगा, सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।